और सभी विद्यार्थी को विनर्स क्लास से जितने भी परिवार हैं, हम अपने तरफ से सभी को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज यहाँ पर आप लोग इकट्ठे हुए हैं, एक एग्जाम हुआ मिनी टैलेंट सर्च एग्जाम, जिसका पुरस्कार वितरण के लिए यहाँ पे आप सभी इकट्ठे हुए। सबसे पहले थोड़ा हम अपने बारे में बता दें, आप लोग हमको शायद नहीं पहचानते होंगे। मेरा नाम अजीत कुमार है, हम सरकारी शिक्षक दरियापुर में भी हैं और विनर्स क्लासेस के परिवार से भी जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे कंपटीशन वाला जो बैच है उसमें हम क्लास लेते हैं और आप लोग से परिचित हम नहीं है उतना। आप लोग ये एग्जाम स्पेशली, इसमें पता चला है कि 9th और 10th दोनों क्लास के बच्चे हैं, स्पेशली 10th क्लास के बच्चे के लिए उनका एग्जाम अब बहुत ही एग्जाम में बहुत कम समय रह चुका है। तो ये एक टेस्ट, यानी कि ये आपके लिए एक आईना के काम कर रहा है कि आप अपना सूरत देखिए कि हम कैसा लग रहे हैं, यानी कि आप अपना टेस्ट देके ये देख ले कि मेरा क्या परफॉर्मेंस है। ऐसा नहीं कि हाँ ये आपका एग्जाम हो गया, इस एग्जाम के मतलब जिनका खराब आया वो परमानेंट खराब हो गए या जिनका अच्छा आया वो परमानेंट अच्छा हो गए। अभी विनर्स क्लासेस के तरफ से तो आपका एक और एग्जाम होने वाला है, टैलेंट सर्च। ये तो उसका एक ट्रेलर कहिए, छोटा एक पार्ट है, तो इसे हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। फिर भी ये छोटे एग्जाम को भी एक बड़ा फंक्शन के रूप देने का उद्देश्य एक ही है कि आपके पास अभी बहुत समय है, आप अपने तैयारी उसी अनुसार रफ्तार बढ़ा दें। कम है तो आप मंथन करिए कि हम क्यों कम है, या जितना वर्क कर रहे थे उस वर्क से आप समय बढ़ा दें। अब वर्क आप स्मार्ट वर्क करिए, या मान लेते हैं कि आप 8 घंटे पढ़ ही रहे हैं और आपका परफॉर्मेंस फिर भी अच्छा नहीं हो रहा, तो आप इस स्थिति में आप थोड़ा सा वर्किंग का स्टाइल बदल दीजिए कि इतना अध्ययन करने के बावजूद भी मेरा परफॉर्मेंस अगर अच्छा नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा वर्किंग का स्टाइल बदल दीजिए। और इस तरह से आप अभी टैलेंट सर एग्जाम का उसमें आप अच्छा परफॉर्मेंस करने की कोशिश करें और आपका जो फिर से जीवन को सबसे बड़ी परीक्षा, क्योंकि आप लोग बोर्ड के परीक्षा पहली बार देंगे, सबसे बड़ा चुनौती 10वें के बच्चे के मन में यही भय रहता है, या जीवन की पहली परीक्षा उसको कहा जाता है, तो इन सब चीजों के लिए ये एक मोटिवेशनल एग्जाम के तौर पर है। और इस एग्जाम के लेकर बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है कि जो अच्छा कर रहे हैं वो और अच्छा करें। पहले इस इलाके में पढ़ाई का उद्देश्य, या जिस घर से आप बिलोंग करते हैं, जो यहाँ पे रह के तैयारी करता था उसका उद्देश्य यही होता था कि कैसा हूं फर्स्ट कर जाए। आप सुनिएगा, यहाँ फर्स्ट कर गया और उसके आगे कोई उसके बाद उद्देश्य नहीं था, बस कैसा हूं फर्स्ट। बिहार के वैसा शिक्षा व्यवस्था था पहले कि चोरी का ज्यादा लिमिटेशन था, पता चलता था कि यहाँ कमाने गया वहां कमाने गया आया, अब जो रेगुलर पढ़ रहा है उसे अच्छा कर गया, वहां पे बच्चा डिमोटिवेट हो जाता था कि, या फिर जो भी कम पढ़े लिखे लोग हैं वो केवल जो कागज के केवल महत्व देते हैं वो भी ताने मारते थे कि देखो तो दिल्ली रहा पंजाब रहा कमाया आके पढ़ लिया और तुम यहाँ क्या किया, उसको डिमोटिवेट करते थे। तो वो नंबर मायने नहीं रखता है आपके जीवन के लिए, वो आप अपना नंबर कैसे लाते हैं इस बात पर मायने रखता है कि अगर अपने मेहनत के बदौलत नंबर लाए तो वो आपके जीवन में बहुत काम आएगा। अगर आप चोरी के बदौलत लेके चले आए, आप बिहार में स्कैम देखे होंगे, रूबी कुमारी क्या क्या 400 टॉपर कर दिया गया, वो उसके बदौलत नहीं था, तो बस उसके लिए वो नंबर केवल नंबर बन के रह गया, आगे उस नंबर का आप कोई यूज नहीं कर पाएंगे, उसका तो खुलासा हो गया तो सब कोई जान गया। बहुत सारे लोग वैसे हैं जिनका कोई अता पता, गुमनाम है, कोई अता पता उनका नहीं है। तो इसलिए आप सबसे पहला बात कि आप अपना माइंड चोरी से, अब तो अच्छी व्यवस्था कर दी गई है कि चोरी लगभग अब नहीं के बराबर हो रही है, या थोड़ी बहुत हो भी रही है तो पहले के अपेक्षा बहुत कम कर दी गई, तो इसलिए अपने दिमाग से
सबसे पहला बात कि आप संघर्षशील बनिए, स्ट्रगल करिए, आप स्ट्रगल से मत भागिए। पहला आपके अंदर यही मोटिवेट करिए कि कैसे भी हमको संघर्षशील बनना है हर परिस्थिति में, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। बहुत सारे लोगों की परिस्थिति अलग अलग होंगी, कोई अच्छे घर से होंगे, किनका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगा। तो जिनका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो इस पूरे इलाका में यही बिगिनर्स क्लासेस परिवार बहुत सारी सुविधा उनको दी जाती है, लेकिन सुविधा उन्हीं को मिलता है जो पढ़ाई में अच्छे हों। और अभी तक का जो भी रिकॉर्ड रहा है, पहले 300 फर्स्ट के लिए लड़ाई होती थी, अब इस संस्थान 400 नंबर, 400 से प्लस। बहुत सारे आप अपने सीनियर होंगे आसपास, जानकारी ले सकते हैं, बहुत सारे लोग को यहां से 400 प्लस नंबर आने लगी। और 400 प्लस जो भी नंबर होती है वो आपके बिहार में एक स्थान दिलाता है, बिहार में एक पोजीशन दिलाता है, या डिस्ट्रिक्ट में आपका नाम आएगा। जैसे अगर टॉप 10 की बात ही की जाए तो पिछली बार 10th के ही बच्चा शशिकांत आपके सारण डिस्ट्रिक्ट में शायद 4 या 5वें स्थान पे आया था। तो ये अपने इलाका के लिए और इस बिनर्स क्लासेस के लिए बहुत बड़ा गर्व की बात है कि यह इलाका पहले केवल फर्स्ट के लिए पढ़ाई करता था, अब वह अपने बदौलत टॉप 10 में जगह बनाने के लिए काम कर रहा है और सफल भी हो रहा है। यह अब कोई अचानक टॉप 10 में शामिल नहीं हो जाएगा। जब आप सफल होते हैं तो बस आपकी नजर या बहुत सारे लोगों की नजर केवल आपकी सफलता पर रहती है कि हाँ वो टॉप 10 में आ गया। उसके पीछे संघर्ष होती है और वह संघर्ष बिनर्स क्लासेस करवाता है, जो किसी बहुत लोगों के नहीं पता होता। बस हाँ इतना आ गया फर्स्ट, अरे उसको उस लायक आने के लिए कितना संघर्ष किया गया वो तो आपको नहीं पता है। तो इसलिए उस संघर्ष के लिए आप लोग के अभी नर्स क्लासेस के तरफ से होस्टल सिस्टम की व्यवस्था किया गया। क्योंकि आप घर जाते हैं, हर तरह के परिस्थिति आती है, ये काम करो वो काम करो, या फिर जब किसी के गाइडेंस में आप नहीं रहते हैं उस समय आपका तालमेल गड़बड़ा जाता है, या क्या पढ़े नहीं पढ़े, थोड़ा बहुत पढ़ लिए छोड़ दिए। इसलिए यहाँ पर अब हॉस्टल का सुविधा दी जा रही है, उसमें आप दिन भर का पूरा शेड्यूल रहेगा, सर के द्वारा पूरा सिस्टम बनाया गया है ताकि आप पूरे दिन आप अध्ययन करें और अध्ययन करके आप पिछले बार टॉप 10 में जगह आई थी इस क्लास के बच्चे का। हम लोग अब यह विनर्स क्लासेस की तरफ से ये प्रयास है कि टॉप 10 में जगह राज्य में बनाए, जिला में नहीं बनाए। और ये उसी के लिए उसी का एक प्रयास का ही छोटा भाग है कि मिनी टैलेंट सर्च एग्जाम पहले लिए, उसके बाद इस क्लास का फिर से टैलेंट सर्च एग्जाम होगा उसमें। और हम लोग जो विद्यार्थी अच्छे करते हैं उनको आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा हम लोग मदद करते हैं, आर्थिक रूप से कि वो कमजोर न पड़े। उनको जिस तरह से मोटिवेशन की जरूरत है, या जो अच्छे हैं उनको जिस चीज की पढ़ाई में बाधक जो भी चीज बन रहा है वो सारी सुविधा यहां से दी जाती है। इसलिए आशा इस रिजल्ट से ज्यादा दुखी, जिनका कम आया ज्यादा दुखी होने की कोई बात नहीं है। आप अब ये एक आईना है, समझिए कि हम आईना देखें, इसमें मेरा मुंह अच्छा नहीं दिखा तो आप क्या करेंगे, फिर से आप अपना फेस को सुधारेंगे। यहाँ फेस कहने का मतलब है कि जो आपका रिजल्ट आया आपका अच्छा नहीं है, आप फिर से जो स्टडी का प्लान है आप अपना, यदि ज्यादा वर्क करने के बावजूद भी आपका अच्छा नहीं आ रहा है तो आप अपना तरीका बदलिए, और जो खुद पढ़ाई पर उतना समय ही नहीं दे रहे थे वो अपना समय दें। इस तरह से आप लोग के लिए ही ये एक क्रम था, ज्यादा अब समय नहीं लेंगे, ठीक है, धन्यवाद।